फ्रेंड्स, माय नेम इज कर्ण अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का यूट्यूब चैनल द विनिंग एज डिफेंस। ये वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक पर है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने कमेंट में लिखा है क्या हम एक सैनिक स्कूल ऑप्ट करेंगे, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लोगों का बेचारा दिल तोड़ने भी वाला है और बहुत लोगों को हिम्मत भी देने वाला है। तो सैनिक स्कूल में मान लीजिए आपने घोड़ा खाल के लिए अप्लाई किया, अब ये घोड़ा खाल में एच पे लगता है, घोड़ा खाल के लिए अप्लाई किया और आपको मिल गया रेवाड़ी, तो दो चीजें ध्यान में रखनी है। अगर ये क्लास नाइन्थ के बच्चे की बात है, अगर आपने घोड़ा खाल के लिए नाइन्थ के लिए बच्चे ने एडमिशन लिया है और वो रेवाड़ी चला गया, तो बच्चा नाइन्थ में ही रहेगा, नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ उसने रेवाड़ी से ही करनी है। नाइन्थ में जो बच्चा गया है वो स्कूल चेंज नहीं होगा। अब फिर अच्छी बात क्या है, मान लीजिए बच्चा ने एडमिशन लिया है सिक्स में, इनका स्कूल सेवेंथ या एट्थ दो क्लासेस में चेंज होता है। वो उसके लिए जो कंडीशन है मैंने किसी और वीडियो में बताया था, मैं दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले तो रेवाड़ी और घोड़ा खाल के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको कहना चाहिए कि भाई हम इस बच्चे को यहाँ भेजने के लिए तैयार हैं, और इनको कहना चाहिए हम यहाँ से इनको लेने के लिए तैयार हैं। मतलब बॉल फेंकी तो कैच करने के लिए भी तैयार होना चाहिए बच्चे को। अब ये नहीं है कि आपने इधर एप्लीकेशन दी और घोड़ा खाल ने कहा हमारे पास तो सीटी ने, तो नहीं होगा। तो क्लास सेवन्थ में, मतलब घोड़ा खाल में जो बच्चा जाना चाहता है रेवाड़ी में एक साल पढ़ेगा, जब वो सेवन्थ में जाता है तब आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे किसको, प्रिंसिपल रेवाड़ी को और प्रिंसिपल घोड़ा खाल को, कि मैं अपने बच्चे को इन इन कारणों से अपने बच्चे को शिफ्ट करना चाहता हूँ। एक कारण है जिसमें ऑटोमेटिक आपको ट्रांसफर मिल जाएगा, वो तब है जब आपका बच्चे का बड़ा भाई घोड़ा खाल में पहले से पढ़ रहा है, तो उस आधार पर आपको घोड़ा खाल में ट्रांसफर बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा भाई या बहन नहीं पढ़ रहे हैं, रेवाड़ी से घोड़ा खाल में ट्रांसफर के लिए दोनों प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करना है। और उसके अलावा मान लीजिए रेवाड़ी में आपके बच्चे ने एडमिशन लिया 241 तक और ई काउंसलिंग के चौथे राउंड तक घोड़ा खाल में कट ऑफ चला गया 238 आपकी कैटेगरी में, मान लीजिए डिफेंस वाले तो जहाँ डिफेंस में 238, डिफेंस वाला जनरल में नहीं जाएगा, एससी में नहीं जाएगा, एसटी में नहीं जाएगा, तो 241 इनके नंबर इसके कट ऑफ से ज़्यादा होने चाहिए, ये सेकेंड कंडीशन है। और कब होगा, या क्लास सेवन्थ में या क्लास एट्थ में। अब आप कहोगे सीट तो थी नहीं, कहाँ से है, तो कुछ शेर होते हैं जिनका दिल थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उन्होंने घोड़ा खाल ज्वाइन कर लिया और एक महीने में उनको नानी याद आ गई कि भाई ये हमारे बस का नहीं है, वो अपने माताजी पिताजी को बोलते हैं भाई हमें यहाँ से ले जाओ, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। लेकिन वैकेंसी भरी जाएगी क्लास सेवन्थ में या एट्थ में जाकर, ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पूरे वीडियो में हमने जो बातचीत करी, सबसे पहले क्लास नाइन्थ में अगर आपके बच्चे ने लिया है तो उसका स्कूल चेंज नहीं होगा। क्लास सिक्स में अगर बच्चे ने एडमिशन लिया है तो उसका स्कूल कम से कम एक साल उसने स्कूल में पढ़ना है और तब जाके उसका स्कूल चेंज होगा, या सेवन्थ में या एट्थ में, उसकी कंडीशंस मैंने बता दी। अब कुछ ऐसे भी शेयर हैं, क्योंकि अभी न्यू सैनिक स्कूल आ गया एनएसएस जिनको कहा जाता है, वो कह रहे हैं सर हमने एनएसएस में डाल दिया अपना बच्चा, क्या एनएसएस से पुराने सैनिक स्कूल में जा सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आपने अपने दिल से ये जो गलत फहमी है दूर कर लेनी है। हमारा नंबर ये यूट्यूब में आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा काउंसलर का नंबर दिया हुआ है, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, और बैच आप नहीं भी ज्वाइन करते आपने मेरे से बात करनी है, आपने लिखना है स्पीक टू कर्ण रेडी, ऐसे लिख देना है बस, ऐसे करके व्हाट्सएप कर दीजिए इस पर, नंबर आपको बताइए 7417920356, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल उठाने का समय नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो कॉलिंग टीम है खुद ही उनकी आउटगोइंग कॉल्स इतनी सारी होती हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपने लिखना है मुझे स्पीक करना है कर्ण रेडी से, मैं पक्का आपको विद इन 24 आवर्स मेरा कॉल आ जाएगा। तो इस वीडियो के द्वारा आपने जाना कि हमारा बच्चा जो भी है, सब बच्चे और सारे सैनिक स्कूल लगभग ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण से आप खुश नहीं है और आपको लगता है कि मेरा घोड़ा खाल में, आप कई पेरेंट्स का था कि हमें पता कैसे लगेगा सीट है कि नहीं है, तो वो जिस स्कूल में आप जानना चाहते हैं वहाँ पर आपके कोई मित्र हैं, या खुद जाएं किसी क्लर्क से मिले, उनके अधिकारी से मिले और पता करें कि सर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, आप प्रार्थना पत्र तो डाल ही दें, क्या पता एक्सेप्ट हो जाए। तो इसके जो क्लास सिक्स में भी होने के चांसेस 50-50 हैं, नाइन्थ में इसके चांसेस जीरो हैं। दैट इज ऑल, मुझे उम्मीद है वीडियो आप देखेंगे और बहुत सारी जो भ्रांतियां आपके दिमाग में चल रही हैं वो क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।